कोनो को मतलब नहीं है बाबू ना ले दे झोंक दी पहले ही पन हाँ वो झुक जाएगा लगेगा एकदम बेस बढ़ा के खांसेगा लगेगा डीजे पे खांस रहा दम नहीं देखेगा एक और कोई खांसेगा तो लगेगा किडनी उडनी फेंक देगा वो एकदम दम लगा के खांसता वही क्या है काली खांसी है पट्टी उसी से एकदम आप लोग के लॉज वॉज में भी दिखेगा एकदम देहात में इसे कुकुर खांसी कहा जाता है सुने हाँ कुकुर खांसी बोला जाता है इसमें अब इन तीनों के इलाज के लिए कॉमन सी दवा है DPT डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस और टिटनस डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस और टिटनस DPT का टीका बचपन में आपको लगा दिया गया होगा समझ में आ गया कि नहीं आ गया DPT का टीका बचपन में इंजेक्शन वैक्सीन लगा देता है वैक्सीन में होता है क्या कि हमारी जो WBC है ना वो पहली बार में किसी को नहीं मार पाता है क्योंकि ना WBC के पास इतनी क्षमता है कि वो हर तरह का हथियार बना सकता है लेकिन उसको पता ही नहीं चलता है कि इसको किस हथियार से हम मारेंगे इसलिए WBC लड़ने से पहले एक बार में वो पहचानना चाहता है कि बीमारी है क्या तो अगर कोई खतरनाक बीमारी एंट्री आई तो पहली बार में WBC उसको पहचानते पहचानते कि आदमियों को निपटा देगा जैसे कोरोना शरीर में घुसा WBC उसको पहचान रहा है कि अच्छा इसका इधर से नाक निकला है हाथ पर इधर से है इधर से तूर तार दे सकते हैं ठेंगना फोड़ देंगे ऐसे तब तक वो आदमियों को निपटा देता है टाइम ही कम देता है यहाँ पे तो वैक्सीन में क्या किया जाता है ना कि सेम उसी बैक्टीरिया या उसी वायरस को बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर कर दिया जाता है और बहुत ज़्यादा कमज़ोर करके एकदम अधमरा स्थिति में कि अब अपने से मर जाएगा एक हफ्ता में उसको ले आके शरीर में लगा दिया जाता है इसलिए कोरोना की वैक्सीन लगाने के बाद इंसान को कोरोना जैसा फील होने लगता था चक्कर आना सर दर्द करना बुखार आना क्योंकि डाला तो वो कोरोने है लेकिन कोरोना किस रूप में है कमज़ोर और 2-3 दिन तक वो जिंदा रहेगा अब तब तक WBC चारों ओर से देखेगा सर कौन आया है हल्ला करो अरे दिख 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 कौन चीज लो अरे मुकुट पहन लो रे कोरोना है बना 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 देख इसको तो पकड़ के चारों ओर से घींचतान करेगा सर ऑपरेशन करके देखेगा सर कहेगा इसको इधर मारेंगे तो ही मर सकता है तो उस टाइप का WBC हथियार बनाना चालू करेगा तब डॉक्टर 3 महीना बाद एगो देगा बूस्टर डोज WBC देगा फिर आ गया बूस्टर मतलब सेकेंड डोज फिर आ गया तो देखेंगे हथियार बन गया कह के हाँ 1 महीना लगा बना दिया मार तो एक ढाई से मारेगा उसको जो सेकेंड डोज लिए होंगे उसमें बुखार कम आया होगा पहलका वाले में पहचान नहीं रहा था हमको तो सेकेंड वाले में अभी नहीं किया था बुखार नहीं आ तो दूसरे का में हथियार बन के रेडी अच्छा 6 महीना साल भर बाद आप बूस्टर डोज लीजिएगा तो पहला बार में हथियार को अपडेट बनाया दूसरका बार में अपडेट किया और तीसरका बार में WBC घुसिया जाएगा तो बार बार चलाता है मार तो फायरिंग कर एकदम धर 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 मार दिया यहाँ पे कोरोना और हथियार बन के रेडी है और उसके बाद WBC घुसिया जाएगा कहेगा अगली बार आ गया तो ब्रस्ट फायर मारना एकदम अम्बुश लगा के अम्बुश मतलब तो अचानक हमला करना है अब WBC तैयार है आ जाओ कोरोना देख ले तो तुरा हम समझ में आ गया कि नहीं भूल पावर मार दे इसलिए छोटा बच्चा को देखिएगा ना जो वैक्सीन दिया जाता है पोलियो का उसको पिलाया जाता है हर 3 महीना 4 महीना 6 महीना बाद 5 साल तक उसको पिलाते रहा जाता है उसका शरीर एकदम घुसिया जाता है कहता है कि है कौन ये बीमारी बार बार चलाता है निपटा देंगे इसको तो उसको कभी रियल में भी पोलियो वाला आएगा ना निपटा देगा उसको कहेगा कितना बार पीले हैं हम कुछ नहीं हो गया तो पहली बार जब होता है ना तो दिक्कत हो जाता है पहली बार में अगर हो गया और भी खतरनाक तो गड़बड़ा गया अब HIV है HIV का वैक्सीन किसी को दीजिएगा तो मरबे नहीं करता है वो चुपचाप जाएगा शरीर में और उसके WBC को पकड़ लेगा सोच रहे तो नहीं हथियार भराएगा तोरे मार देगा ध्यान से कहेगा आज से हम WBC अब पूरे WBC को मार देता है और आपका WBC को कंट्रोल कौन कर लेता है HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस कहेगा आज से जो कहेंगे हम वही होगा खांसी करो इसको खांसने लगेगा सर्दी हो गया कोई बीमारी से नहीं लड़ सकते बहुत खचरा है कौन HIV वाला आगे बढ़े तो डिप्थीरिया DPT का टीका लगा दिया जाता है वैक्सीन टीका मतलब क्या होता है वैक्सीन
बचपन में ही आप लोग को लग जाता है, जन्म के एक सप्ताह के अंदर अंदर क्या किया जाता है, लगा दिया जाता है। पहला इंजेक्शन यही दे देता है डीपीटी का, जन्म के एक सप्ताह में क्या करता है देता है, मतलब एक महीने के अंदर दे देना होता है, तो एक सप्ताह के अंदर डॉक्टर क्या कर देता है, दे देता है इस चीज को। लेकिन एक महीना यानी चार सप्ताह मतलब 28 दिन, एक महीना के अंदर अंदर इसको दे देना जरूरी होता है, ठीक है, क्योंकि छोटा बच्चा का शरीर अभी बन रहा होता है, शुरुआती में कुछ कुछ फेमस बीमारियां को देख लेगा ना तो पहचान जाता है, तो उस टाइप का वो हथियार पहले ही से बना लेता है तो आओ देखते हैं हम यहाँ पर। तो छोटा बच्चा सबको देना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। किस चीज़ का टीका, डिप्थीरिया पर्टुसिस और टिटनस। आगे बढ़े, आप सबको बचपन में पड़ गया होगा, आप टेंशन नहीं लीजिएगा। छोटा लड़का सबको देखिएगा, जैसे आपका बैंक में पासबुक होता है ना, वो छोटका सबका हॉस्पिटल में पासबुक होता है, उस पर चढ़ाया जाता है कि हाँ इतना खाता चढ़ गया, इंजेक्शन लेके चल गया यहाँ पर, उसमें डेबिट क्रेडिट होते रहता है उसका अपना वो बनते रहता है। जब तक छोटका लड़का 4 साल का नहीं हो जाएगा सब ना, अरे बाप रे, वो हमेशा उत्पात मचैले रहता है सब एकदम पूरा, उसके रूम में जाइएगा तो हमेशा दवाइये महकेगा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, उसका हर चीज़ अजीब। अच्छा, नहाने वहाने वाला सब चीज़ उसका अलग रहता है, छोटका लड़का सबको, हाँ हाँ जॉनसन बेबी, हाँ वो सब नुकसान नहीं करता है उनको, हाँ किया नहीं तो उसको परपराने लगेगा, और समझदार महिला रहती है तो सब ठीक ठाक से नहलाती सब, उसका पूरा शरीर नहा देगी सब, हल्का सा बाल और पूरा धुला देगी सब, फिर साइड से मुंह धुला देगी, अब कोनो को मतलब नहीं है, बाबू नहा लेते झोंक दी पहले ही पानी, हाँ वो झुक जाएगा, भागने लगा, भाग जाए, चिल्लाने लगेगा, दादा बाबा भाग गया। समझदार रहती है महिला, उसको खूब अच्छा दे देगी, पानी खेलते रहे, पैर पैर धुला देगी, फिर साबुन बढ़िया से हाथ पर लगा, और उसका सर अलग से धुला के निकाल देना है, फिर आगे से समझ में आ गया कि नहीं आ गया, हमको बहुत अनुभव है। कितनों लड़का, हम तो लगभग 200-250 से ज़्यादा लड़का सबको हम लोग छोटा से, तो इतना से चलने फिरने लायक हो जाता है ठीक ठाक, तो आदमी कहता है कि अब उतना केयर करने की जरूरत नहीं है। अब कुछ कुछ लोते हैं लोग कि हम देखते हैं तो कैसे पाल रही है समझ में, पहले ही मुँह झोंक देती है, वहाँ उसको अपना एक्सपीरियंस है, पहले मुंह धो लो, फेस वाश, फेस वाश, लड़कों ने का मुंह धोला, अरे उसको रद्द कर देते हैं से हम, हाँ आप लोग देखिए कि नहीं, ऐसी महिला सबको रद्द करके रख देती है लड़कुआ सब, अब वही बुढ़ापा में लड़कुआ वैसे ही छोड़ देगा तो कहेगा बेटा नहीं मान रहा है